एपिसोड के स्टार्ट में हम टायलर को देखते हैं। जूस ने उसको कैरोलाइन मेसन, स्टेफन और डेमन के बारे में सब सच बता दिया है, इसलिए वो कैरोलाइन से मिलने उसके घर जाता है। वो कैरोलाइन से पूछता है कि क्या वो मेसन के बारे में जानती थी कि डेमन और उसके भाई स्टेफन ने मेसन को मार दिया है। कैरोलाइन हड़बड़ाने लगती है, उसको समझ नहीं आता कि टायलर को सब सच कैसे पता चल गया है। टायलर कैरोलाइन के साथ मिसबिहेव करता है और उससे कह रहा है कि वो कैरोलाइन पर ट्रस्ट करने लगा था और कैरोलाइन इतने दिनों से उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। कैरोलाइन को शर्म आनी चाहिए। गिल्बर्ट हाउस में एलेना जॉन से पूछती है कि वो मिस्टिक फॉल्स वापस क्यों आया है। जॉन कहता है कि फ़िलहाल के लिए तो वो बस एलेना को यही बता सकता है कि वो एलेना को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आया है। बाकी की बातें वो एलेना को तब बताएगा जब उसको लगेगा कि वो एलेना पर ट्रस्ट कर सकता है। तभी जेना वहाँ आती है और जॉन को वहाँ देख के गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उन लोगों को तो लगा था कि जॉन अब मिस्टिक फॉल्स कभी वापस नहीं आएगा, तो अब वो वहाँ क्या करने आया है। जॉन कहता है कि वो कुछ दिन के लिए वहाँ रहने आया है। वो जेना को ये भी बता देता है कि वो एलेना का बायोलॉजिकल फादर है, जिसको सुन के जेना बहुत शॉक हो जाती है। साल्वाटो बोर्डिंग हाउस में डेमन स्टेफन पर जॉन को वापस मिस्टिक फॉल्स बुलाने के लिए गुस्सा करता है। वो कहता है कि फाउंडर्स डे वाली रात जॉन ने डेमन को मारने की कोशिश की थी और वो लोग जॉन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। स्टेफन कहता है कि वो तो इज़ाबेल को ढूंढ रहा था, पर उसके बदले उसको जॉन मिला। जॉन ने कहा है कि उसको इज़ाबेल ने डॉपलगैंगर सैक्रिफाइस के बारे में बताया है और वो एलेना की हेल्प करना चाहता है। स्टेफन कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, उनको जितनी हेल्प मिल सकती है उनको ले लेनी चाहिए। वो मूनस्टोन भी अब एलाइजा के पास है और एलाइजा एक ओरिजिनल वैम्पायर है जिसके अगेंस्ट डेमन और स्टेफन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैरोलाइन स्टेफन को अपने घर मिलने बुलाती है और उसको बताती है कि टायलर को सब सच पता चल गया है। स्टेफन कह रहा है कि ज़रूर जूस ने ही उसको सब कुछ बताया होगा। कैरोलाइन कह रही है कि जब टायलर उससे मिलने आया था तो वो बहुत अपसेट था और कैरोलाइन को उसको ऐसा देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कैरोलाइन स्टेफन को रिक्वेस्ट करती है कि वो डेमन को इस बारे में कुछ ना बताए, वरना डेमन टायलर को मार देगा। कैरोलाइन चाहती है कि स्टेफन टायलर से बात करे और उसको समझाने की कोशिश करे। टायलर कैरोलाइन का दोस्त है और वो नहीं चाहती कि टायलर गुस्से में कुछ गलत कर बैठे। जूस टायलर से मिलने उसके घर जाती है। वो टायलर को कैरोलाइन और वैम्पायर्स के अगेंस्ट भड़काती है। वो कहती है कि वैम्पायर्स कभी भी वेयरवुल्फ्स के दोस्त नहीं हो सकते हैं। टायलर की दोस्त कैरोलाइन भी तो अब तक उसको धोखा दे रही थी। जूस चाहती है कि टायलर मिस्टिक फॉल्स छोड़ के उसके साथ चले। वो कहती है कि वो टायलर की हेल्प करना चाहती है और उसको वेयरवुल्फ्स के बारे में कई और चीज़ें सिखा सकती है। वो कहती है कि वेयरवुल्फ्स ज़्यादातर पैक्स में रहते हैं और टायलर को भी यही करना चाहिए। टायलर कहता है कि वो ऐसे ही तो सबको छोड़ के नहीं जा सकता है, उसका घर और उसकी लाइफ मिस्टिक फॉल्स में है। जूस कहती है कि वो टायलर की पुरानी लाइफ थी, अब वो एक वेयरवुल्फ बन गया है और उसको अपनी नई लाइफ ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट करनी चाहिए जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। जूस के वहाँ से जाने के बाद स्टेफन टायलर से मिलने आता है। टायलर उसको देख के डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। स्टेफन कहता है कि वो टायलर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो तो बस टायलर से बात करना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में मिस्टिक फॉल्स में कई लोगों की मौत हुई है, इसलिए मिसेस लॉकवुड उन लोगों की याद में एक मेमोरियल ऑर्गेनाइज करती है। जॉन भी वहाँ होता है। वो मिसेस लॉकवुड से सीक्रेट काउंसिल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अब डेमन उस काउंसिल का लीडर है और जॉन को उससे बात करनी चाहिए ताकि वो लोग मिलकर अपने शहर को वैम्पायर से बचा सके। तभी जेरेमी वहाँ आता है। वो भी जॉन के मिस्टिक फॉल्स वापस आने से खुश नहीं है। वो कहता है कि जॉन को समझना होगा कि वो दोबारा अपना एंटी वैम्पायर्स एजेंडा नहीं चला पाएगा। वो जॉन को वो मैजिकल गिल्बर्ट रिंग भी वापस देने लगता है, लेकिन जॉन उस रिंग को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो रिंग अब जेरेमी की है और जॉन चाहता है कि जेरेमी वो रिंग हमेशा पहने रखे। बॉनी भी उस इवेंट पर होती है। तभी लुका के डैड जॉनास उसके पास आते हैं। बॉनी उनसे कोई बात नहीं करना चाहती है क्योंकि उन्होंने और लुका ने धोखा दे के बॉनी से वो मूनस्टोन ले लिया था। लुका के डैड बॉनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बॉनी के दुश्मन नहीं हैं और बॉनी की हेल्प करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एलाइजा अपनी बात का पक्का है और अपनी डील्स हमेशा पूरी करता है, वो लोग एलाइजा को ट्रस्ट कर सकते हैं। बॉनी कहती है कि ना तो उसको एलाइजा पर ट्रस्ट है और ना ही लुका और उसके डैड पर। तभी जेरेमी वहाँ आता है और बॉनी उसके साथ चली जाती है।
फिर हम जूस को एक आदमी के साथ देखते हैं जिसका नाम ब्रैडी होता है। ब्रैडी को देख के लगता है कि वो जूस का बॉयफ्रेंड है, और वो भी जूस की तरह वैम्पायर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ब्रैडी कहता है कि वो लोग मेसन की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। तो जूस कहती है कि टायलर उनके रिवेंज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये चाहती है कि टायलर उनकी साइड हो जाए। टायलर अब उनमें से एक है और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोग टायलर की हेल्प करें। मिस्टर गिल में जैना और अलारिक जॉन और इजोबेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैना कहती है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बहन और जीजा ने उससे इतना बड़ा सीक्रेट क्यों छुपाया कि अलेना जॉन की बेटी है। तभी जॉन भी वहाँ आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उनको उनके टेबल पर ज्वाइन कर सकता है। जैना उसको ऑब्वियसली मना कर देती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। तभी डेमन और अलेना भी वहाँ पर आ जाते हैं, और डेमन जॉन को बातों ही बातों में ताने मारने लगता है। लॉकवुड मैंशन में स्टेफन टायलर को समझाने की कोशिश करता है कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स एक साथ मिलकर पीसफुली रह सकते हैं। वो ये भी कहता है कि कैरोलाइन टायलर की अच्छी दोस्त है और उसका भला ही चाहती है, और इसलिए टायलर से अब तक झूठ बोल रही थी। तभी टायलर को जूस का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले कि टायलर जूस को स्टेफन के बारे में बता पाए, स्टेफन उससे फ़ोन छीन लेता है। जूस भी समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मिस्टर ग्रिल में डेमन जॉन को उसको क्लाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है। जॉन कहता है कि उसको डेमन और स्टेफन पर ट्रस्ट नहीं है, और इसलिए वो उनके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। ओरिजिनल्स नॉर्मल वैम्पायर को कंपेल कर सकते हैं, क्या पता अलाइजा ने डेमन और स्टेफन को भी कंपेल कर रखा हो। डेमन उसको बताता है कि डेमन और स्टेफन कुछ हफ्तों से रोज़ वर्बेन का डोज लेते हैं ताकि कोई ओरिजिनल उसको कंपेल ना कर पाए। फिर डेमन जॉन को धमकी देता है कि अगर जॉन उस सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताएगा तो डेमन उसको मार देगा। जॉन डेमन की धमकी से नहीं डरता, और डेमन को कहता है कि यही रीज़न है जिस वजह से जॉन डेमन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है, और इससे उसको कुछ भी नहीं बताएगा। फिर हम देखते हैं कि जूस और उसका बॉयफ्रेंड ब्रैडी कैरोलाइन को किडनैप कर लेते हैं और उसको एक वैन में एक पिंजरे में लॉक कर देते हैं। ब्रैडी कैरोलाइन को टॉर्चर करता है और उसको बार बार शूट करता रहता है, जिसकी वजह से कैरोलाइन को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। लॉकवुड मेंशन में स्टेफन टायलर को फिर समझाने की कोशिश करता है कि वो टायलर का दुश्मन नहीं है। टायलर की तरह मिस्टिक फॉल स्टेफन का भी घर है, और स्टेफन तो बस वहाँ पीसफुली रहना चाहता है। तभी स्टेफन को कैरोलाइन के फ़ोन से जूस का कॉल आता है। वो स्टेफन को कैरोलाइन की चीखें सुनाती है और कहती है कि अगर 20 मिनट के अंदर स्टेफन टायलर को लेके विक्री ब्रिज नहीं आया तो जूस कैरोलाइन को मार देगी। मिस्टर ग्रिल में जैना डेमन को अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम होता है एंडी स्टार। एंडी डेमन से फ्लर्ट करती है, लेकिन डेमन उसको रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अलेना भी उनका इंटरेक्शन देख रही होती है, और डेमन को कहती है कि उसको एंडी से ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। डेमन कहता है कि इट्स बेटर फॉर एवरीवन कि इस समय डेमन किसी भी तरह के रिलेशनशिप से दूर ही रहे। तभी अलेना को स्टेफन का कॉल आता है और वो उसको कैरोलाइन के बारे में बताता है। अलेना डेमन को अकेले साइड में ले जाके ये बात बताती है। डेमन बहुत गुस्सा करता है कि वो लोग इतने दिनों से उससे ये बात छुपा रहे थे कि कैरोलाइन ने टायलर को वैम्पायर्स के बारे में बता दिया है। अलेना कहती है कि उनको लगा था कि डेमन टायलर को मार देगा, इसलिए वो लोग उससे ये बात छुपा रहे थे। डेमन कहता है कि वो तो अब भी यही करेगा, टायलर को मरना ही होगा क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और अब उनका सीक्रेट जानता है। अलेना डेमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो टायलर को कुछ ना करे, टायलर निर्दोष है और वैसे भी वो लोग अब तक इतने लोगों को ऑलरेडी खो चुके हैं, और अब अलेना किसी और को नहीं खोना चाहती है। डेमन कहता है कि अलेना को क्यों लगता है कि अगर वो प्यार से कहेगी तो डेमन उसकी सारी बातें मान लेगा। अलेना कहती है कि वो तो बस ये चाहती है कि डेमन एक अच्छा इंसान बने और अपनी ह्यूमैनिटी को ना खोए। तभी जॉन वहाँ आता है और उन दोनों को टेंस देख के उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। डेमन कहता है कि वो कैरोलाइन को बचाने जा रहा है। अलेना भी उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन डेमन उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। जाने से पहले डेमन जॉन को अलेना पर नज़र रखने को कहता है ताकि अलेना डेमन के पीछे ना आ पाए। अलेना फिर भी डेमन के पीछे जाने लगती है, लेकिन जॉन उसको रोक लेता है और कहता है कि डेमन सही कह रहा है कि अलेना को वहीं रुकना चाहिए। अलेना कहती है कि जॉन को कोई हक नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि अलेना को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जॉन कहता है कि अलेना चाहे माने ना माने, जॉन अलेना का बाप है और इसलिए उसको अलेना की देखभाल करने का पूरा हक है। जॉन को पता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं,
लेकिन अब वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है। अलेना कहती है कि जॉन वो हक कई साल पहले खो चुका है और अलेना उसको पिता नहीं मानती है और ना ही कभी उसको पिता मानेगी। वो कहती है कि वो जॉन की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। अलेना की बातों से जॉन हर्ट हो जाता है और अलेना को वहाँ से जाने से रोक नहीं पाता। रेडी कैरोलाइन को दोबारा टॉर्चर करता है। कैरोलाइन उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है। ब्रैडी कहता है कि कैरोलाइन एक वैम्पायर है और ब्रैडी वैम्पायर से नफरत करता है। स्टेफन टायलर को लेके जूस के पास जाता है और वो जूस को कैरोलाइन को छोड़ने को कहता है। वो जूस को मिस्टिक फॉल्स भी छोड़ के जाने को कहता है। जूस कहती है कि वो टायलर के बिना नहीं जाएगी। स्टेफन कहता है कि टायलर अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि उसको जूस के साथ जाना है या नहीं। तभी डेमन भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि अगर जूस ने कैरोलाइन को नहीं छोड़ा तो डेमन उसको मार देगा। डेमन को लग रहा होता है कि जूस अकेली है, तो वो जूस को कहता है कि आज फुल मून नहीं है, तो जूस स्टेफन और डेमन का सामना नहीं कर पाएगी और मारी जाएगी। तभी वहाँ ब्रैडी और उसके कई और वेयरवुल्फ साथी आ जाते हैं और डेमन और स्टेफन आउटनंबर्ड हो जाते हैं। ये देख के डेमन टायलर को जूस के पास जाने को कहता है। इसके बाद ब्रैडी पूछता है कि उनमें से मेसन को किसने मारा था। डेमन कहता है कि उसने ही मेसन को मारा था। ब्रैडी अपने साथियों को डेमन को तड़पा तड़पा के मारने को कहता है। इसके बाद डेमन और स्टेफन उन वेयरवुल्फ से लड़ने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोनों भाई उन वेयरवुल्फ पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर एक वेयरवुल्फ स्टेफन को पीछे से स्टैब कर देता है। डेमन और ब्रैडी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जूस डेमन को वुडन बुलेट से शूट कर देती है। टायलर कैरोलाइन को बचाने उस वैन के अंदर चला जाता है। उसको देख के कैरोलाइन उसके पिंजरे का लॉक खोलने को कहती है। टायलर पहले तो थोड़ा हेसिटेट करता है, लेकिन फिर कैरोलाइन उससे मदद के लिए प्लीड करती है और टायलर उसका लॉक खोल देता है। लेकिन जब टायलर और कैरोलाइन उस वैन से बाहर आते हैं तो जूस कैरोलाइन को फिर से पकड़ लेती है। कैरोलाइन को लगता है कि टायलर उसकी दोबारा हेल्प करेगा, लेकिन वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी ब्रैडी डेमन को मारने ही वाला होता है कि अचानक से ब्रैडी जूस और उनके बाकी के साथियों के सर में दर्द होने लगता है और वो लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। कैरोलाइन कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लूका के डैड जोनास वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि अलाइजा ने अलेना से प्रॉमिस किया था कि वो अलेना और उसके फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इसलिए जोनास उनको वहाँ बचाने आए हैं। वो कैरोलाइन डेमन और स्टेफन को वहाँ से जल्दी से भागने को कहते हैं। इसके बाद वो टायलर को कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे फ्रेंड्स को होश आए उनको मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चले जाने को कह देना, यही उनके लिए अच्छा होगा। स्टेफन कैरोलाइन को उसके घर छोड़ने जाता है। वो कैरोलाइन को कहता है कि अगर कैरोलाइन चाहे तो स्टेफन उसके साथ थोड़ी देर और रुक सकता है। कैरोलाइन कहती है कि वो ठीक है, वो अब पहले वाली कैरोलाइन नहीं रही, अब वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है। स्टेफन कह रहा है कि उसको पता है कि कैरोलाइन बहुत स्ट्रांग है, तभी तो उसने आज इतनी ब्रेवली इतना सारा टॉर्चर फेस किया। कैरोलाइन कहती है कि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती है और स्टेफन से कल बात करेगी। फिर हम देखते हैं कि जॉन डेमन से मिलने सालवाटो बोर्डिंग हाउस आता है। वो कहता है कि अलेना के लिए वो लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि वो अलेना को प्रोटेक्ट कर सके। जॉन को पता है कि अलेना को बचाने के लिए डेमन और स्टेफन कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जॉन डेमन को एक डैगर और एक शीशी देता है जिसमें वाइट ओक ट्री की राख होती है। वो बताता है कि वो वाइट ओक ट्री ओरिजिनल्स की क्रिएशन से रिलेटेड है और इसलिए अगर उस डैगर को उस राख में डिप करके एक ओरिजिनल के हार्ट को स्टैब किया जाए तो वो ओरिजिनल मर जाएगा। जॉन चाहता है कि डेमन उस डैगर को यूज़ करके अलाइजा को मार दे। डेमन उससे पूछता है कि वो डैगर और वो राख जॉन को कहाँ से मिली। जॉन कहता है कि वो चीज़ें इजोबेल ने जॉन को दी हैं। इजोबेल क्लाउस पर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है ताकि क्लाउस मिस्टिक फॉल्स में ना आ पाए। इसके बाद हम कैरोलाइन को देखते हैं। वो बेचारी बहुत अपसेट होती है क्योंकि आज उसके साथ बहुत बुरा हुआ और ब्रैडी ने उसको बहुत टॉर्चर किया। तभी उसको मैट का कॉल आता है। दरअसल मैट और कैरोलाइन ने रात में मिस्ट्री ग्रिल में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन क्योंकि जूस ने कैरोलाइन को किडनैप कर लिया था इसलिए कैरोलाइन मैट से मिलने नहीं जा पाई थी। मैट कैरोलाइन से पूछता है कि वो कहाँ है, तो कैरोलाइन उसको झूठ बोल देती है कि उसको कुछ ज़रूरी काम आ गया था और वो इस वक्त बॉनी के साथ है। पर मैट को पता चल जाता है कि कैरोलाइन उसे झूठ बोल रही है क्योंकि बॉनी उस समय जेरमी के साथ मिस्टिक ग्रिल में ही होती है। लेकिन मैट कैरोलाइन को ये नहीं बताता कि उसको पता है कि कैरोलाइन उसे झूठ बोल रही है। इसके बाद टायलर कैरोलाइन से मिलने आता है। वो देखना चाहता था कि कैरोलाइन ठीक तो है। कैरोलाइन उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि उसके वेयरवुल्फ फ्रेंड्स ने कैरोलाइन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया।
वो लोग तो कैरोलाइन, स्टेफन और डेमन को मारने भी वाले थे और टायलर चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। टायलर कहता है कि उसको नहीं पता था कि जूस कैरोलाइन के साथ ऐसा कुछ करेगी। टायलर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। कैरोलाइन ने भी तो उससे इतने दिनों तक झूठ बोला था। कैरोलाइन कहती है कि उसने तो बस अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए झूठ बोला था। टायलर भी उसका फ्रेंड था और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि टायलर उसकी हेल्प करेगा, पर टायलर ने आज उसको दिखा दिया कि वो कैरोलाइन का दोस्त नहीं है। टायलर कैरोलाइन से माफ़ी मांगता है लेकिन कैरोलाइन उसकी एक नहीं सुनती और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। गिल्बर्ट हाउस में एलेना जॉन को कहती है कि वो चाहती है कि जॉन वहाँ से चला जाए। जॉन कहता है कि वो एलेना से और आर्ग्यू नहीं करना चाहता है। इसके बाद वो एलेना को एक ब्रेसलेट देता है जो एलेना की अडॉप्टेड मदर मिरांडा को बिलोंग करता था। जॉन कहता है कि वो जानता है कि एलेना हमेशा ग्रेसन और मिरांडा को ही अपने रियल पेरेंट्स मानेगी और ये सही भी है। ग्रेसन और मिरांडा ने भी तो एलेना को अपनी खुद की बच्ची की तरह ही पाला है। जब उनकी डेथ हुई तो एलेना और जर्मी के साथ साथ जॉन ने भी अपने भाई और भाभी को खो दिया था और उनकी डेथ के बाद वो बहुत अकेला और लॉस्ट फील करने लगा था। लेकिन अब जॉन सही रास्ते पर आना चाहता है। वो जानता है कि एलेना कभी भी उसको अपना डैड नहीं मानेगी, पर वो फिर भी हमेशा एलेना, जर्मी और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि यही उसका फर्ज है। जॉन बस ये चाहता है कि एलेना उस पर ट्रस्ट करे और उसको एक और मौका दे। जॉन की बातें सुन के एलेना थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जॉन के वहाँ से जाने के बाद स्टेफन वहाँ आता है। उसने भी जॉन और एलेना की कॉन्वर्जेशन सुन ली होती है। वो एलेना को कंसोल करता है और एलेना उससे कहती है कि वो चाह कर भी कभी जॉन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। फिर वो स्टेफन से कैरोलाइन के बारे में पूछती है तो स्टेफन कहता है कि इसी सिलसिले में स्टेफन को एलेना की मदद चाहिए। डैडी और जूस अपनी हार को लेके अपसेट होते हैं। तभी टायलर उनसे मिलने आता है। वो कहता है कि मेसन ने उसको वैम्पायर्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। रेडी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि जब मेसन को पता था कि मिस्टिक फॉल्स में इतने सारे वैम्पायर्स हैं तो वो इतने दिनों तक मिस्टिक फॉल्स में क्यों रुका था। टायलर कहता है कि मेसन एक मूनस्टोन ढूंढ रहा था। उस मूनस्टोन के बारे में सुन के ब्रैडी और जूस चौंक जाते हैं। उनको देख के लगता है कि उनको उस मूनस्टोन के बारे में पहले से ही पता है। वो टायलर से पूछते हैं कि वो मूनस्टोन अब कहाँ है। टायलर कहता है कि उसको भी नहीं पता कि वो मूनस्टोन अब कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन एलेना और बॉनी को लेके कैरोलाइन के घर जाता है ताकि वो दोनों कैरोलाइन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और कैरोलाइन का मूड अच्छा कर सकें। उसको पता होता है कि इस समय कैरोलाइन को अपने दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। फिर हम डेमन को एंडी के साथ देखते हैं। वो एंडी को कहता है कि उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसकी कभी नहीं हो सकती है। एंडी पूछती है कि ऐसा क्यों। डेमन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बुरा इंसान है और लोगों का खून करता है। ये सुन के एंडी डरने लगती है तो डेमन उसको शांत रहने के लिए कंपेल कर देता है। फिर वो कहता है कि किलिंग उसके नेचर में है क्योंकि वो एक वैम्पायर है, लेकिन एलेना चाहती है कि वो एक अच्छा इंसान बने, जो कि नामुमकिन है क्योंकि इसके लिए डेमन को अपने वैम्पायर नेचर के अगेंस्ट जाना होगा। एंडी कहती है कि इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार लोगों को चेंज करता है और शायद डेमन के साथ भी यही हो रहा है। एलेना के प्यार में डेमन भी बदल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जॉन कैथरीन से मिलने उस टूम में जाता है। कैथरीन कहती है कि वो इजोबेल को एक्सपेक्ट कर रही थी, ना कि जॉन को, और इसलिए उसने स्टेफन को इजोबेल को ढूंढने भेजा था। जॉन कहता है कि इजोबेल अभी बिजी है, इसलिए उसने कैथरीन के पास अपनी जगह जॉन को भेजा है। कैथरीन पूछती है कि क्या स्टेफन को पता है कि जॉन कैथरीन से मिलने आया है। जॉन कहता है कि नहीं, ये सीक्रेट जॉन कैथरीन और इजोबेल के बीच ही रहे तो अच्छा है। फिर कैथरीन जॉन को उसको चूम से जल्द निकालने को कहती है। जॉन कहता है कि वो इसी पर काम कर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।